हेलो गाइस, एसएमएस मार्केटिंग में ये हमारा सेकेंड वीडियो है। इसमें मैं आपको कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट, लीड मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर्स और उसको कैसे यूज़ करना है ये बताने वाला हूँ। तो मैं कोई भी जो टॉपिक है उसको टाइटल नहीं देना चाहता। ये प्रैक्टिस है, आप सीरियली इसको यूज़ कीजिए एंड घर पे प्रैक्टिस कीजिए एंड देन आप इसको समझिए। तो इनिशियली हम एग्जिस्टिंग जो सॉफ्टवेयर्स है लीड मैनेजमेंट या कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सीआरएम के, उसको देखेंगे और फिर मैं आपको खुद सॉल्यूशन कैसे बनाना है, ऑटोमेट कैसे करना है, ये भी आपको सिखाऊंगा। अगर आप गूगल पे इंक्वायरी मैनेजमेंट सिस्टम या इंक्वायरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ढूंढोगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें से मुझे एक सॉफ्टवेयर अच्छा लगा जो है कॉम कियोस्क। फर्स्ट यही आ रहा है इंक्वायरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में। तो कॉम कियोस्क का एक फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसका जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है ये आपको सारे फीचर्स देता है इन एंड्रॉयड एप्लीकेशन। जब आप इसको यूज़ करोगे आपको पूरा एनालिटिक्स मिलेगा, आपको इंक्वायरी का डिटेल्स मिलेगा, आप इंक्वायरी मैनुअली डाल भी सकते हो। और एक अच्छा फीचर ऐसा भी है कि अगर आपका कॉल एंड होता है, एंड होते ही आपको वो सॉफ्टवेयर पॉपअप करके पूछता है कि आपका ये इंक्वायरी है तो कौन से कोर्स के लिए इंक्वायरी है, फॉलो अप डेट कब सेट करना है, या एसएमएस शेड्यूल करना है, ऑटोमेटिकली एसएमएस भेजना है, ये सारे फीचर्स ये आपको देता है। पहले मैं आपको इसका बैक एंड वेब प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ एंड देन आप को एप्लीकेशन भी दिखाऊंगा। यहाँ पर आपको वाइट लेबल करके मिला है, तो इंजीनियर्स अकेडमी का लोगो है, इंजीनियर्स अकेडमी का नाम है। कंप्लीट वाइट लेबल नहीं है बिकॉज़ यहाँ देखो आपको कॉम कियोस दिख रहा है, ऊपर यूआरएल में भी आपको कॉम कियोस दिख रहा है। ये आपका डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में आपको सारी चीज़ें मिल रही है। यहाँ पर ये जो थ्रू एफएम रेडियो, थ्रू टेलीकॉलर या जस्ट डायल, सुलेखा, वॉक इन, वेब, ऐसे कैटेगरीज भी मिलते हैं। जब आप इंक्वायरी इसमें एंटर करते हो तब आपको ये सारी चीज़ें फिलअप करनी है, फॉर्म में फिलअप करना है। आप इंक्वायरी को मैनुअली भी डाल सकते हो, तो आप यहाँ पर इंक्वायरी मैनुअली इंसर्ट कीजिए, कमेंट्स डालिए, इसके बाद थ्रू एफएम, थ्रू जस्ट डायल, सुलेखा कैसे आया है, अगर आपको ऐड करना है, कस्टम ऑप्शंस डालने हैं इसमें, वो भी आपको मिलेगा। इसके ऊपर एक्शन क्या करना है आपको, रजिस्ट्रेशन, एडमिशन, कॉलिंग लेटर, आपको स्केड्यूल करना है एसएमएस, वो भी आपको मिलेगा यहाँ पर। इसके बाद आपको टेलीफोनिक कॉल आया है, ड्रॉप इन मतलब वॉक इन खुद आया है, या फिर आपको एसएमएस या ईमेल आया है, ये सारा ऑप्शन है। जब आप इसका एप्लीकेशन यूज़ करोगे ये सारे ऑप्शंस वहाँ पर भी मिलेंगे। बल्क में इंक्वायरी डालना है तो आप एक्सेल फाइल में पहले मेंटेन करो सारे इंक्वायरीज़ को एंड देन यहाँ पर आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो। तो एक आपको ये ऑप्शन मिलता है बल्क में अपलोड करने के लिए। जैसे मैं अभी तक एक्सेल में मेंटेन कर रहा हूँ मेरा डेटा, अब अगर मुझे सॉफ्टवेयर में शिफ्ट होना है, ये सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, तो मुझे ये इंपोर्ट का ऑप्शन काफ़ी काम आएगा। अब मैं इसका एंड्रॉयड एप्लीकेशन आपको दिखाता हूँ। इसका साइनअप बहुत सिंपल है, फ्री साइनअप है, आपको फ्री में भी बहुत सारे ऑप्शन ये देता है। सबसे पहले आपको ये उसके एप्लीकेशन का डेमो दे रहा है, तो इसमें आपको हर डिटेल कैसे क्या करना है सब बताएगा। इसके बाद ये इसका डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के अंदर आपको इंक्वायरी, देन एसएमएस का सेंटर, एसएमएस को इसके आपको मैंने बताया था कि क्रेडिट्स लेने पड़ते हैं, मतलब पैसे देके एसएमएस के लिए आपको वो क्रेडिट पॉइंट्स चाहिए। तो जो ट्रांजैक्शनल एसएमएस मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था वो करना पड़ता है। यहाँ पर आपको कोर्सेस बना सकते हो, डाल सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर जब आप इंक्वायरी डालोगे तो उसका डिटेल डाल सकते हो, एसएमएस करना है, एसएमएस शेड्यूल करना है, आपको वो भी डिटेल्स यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने सेंटर दो बनाए, एक इंजीनियर्स, इंजीनियर्स अकेडमी, तो दोनों में से कोई भी सिलेक्ट करो। इसके बाद आपको जो फीचर मैंने बताया था वो भी दिखाता हूँ। जैसे अगर किसी ने आपको कॉल किया तो वो कॉल डायरेक्टली इंक्वायरी में जाना चाहिए। मैंने सारे परमिशंस दे दिए इसको,
यहाँ पर फ्लोटिंग विंडोज़ मैनेजमेंट में आपको परमिशन देना पड़ता है, बिकॉज पॉपअप आएगा, पॉपअप के लिए फ्लोटिंग विंडोज़ मैनेजमेंट ओवरले परमिशन चाहिए उसको। इसके बाद ये सारे परमिशन देने के बाद, नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद आपको ये आपको सारे डिटेल्स दे रहा है, आप इसको प्रॉपरली पढ़ लीजिए। मैं पहले यूज़ कर चुका हूँ इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं मैनुअली इंक्वायरी इंसर्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर स्टार्ट करने के बाद ये कैसे इंक्वायरी इंसर्ट करनी है वो बता रहा है। सारे फीचर्स हैं जो मैंने आपको वेब प्लेटफॉर्म पे दिखाए थे, वो सारे फीचर्स यहाँ पर भी अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर बस एक आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, इंपोर्ट करना है। अगर आपको बल्क इंपोर्ट करना है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो आपको वो ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलेगा। बाकी के सारे ऑप्शंस ऑलमोस्ट यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको आपका सेंटर बनाने का भी ऑप्शन मिलता है। सेंटर मैंने दो बनाए हैं यहाँ पर, ये टेस्ट कर रहा था, पुराना सेंटर का एड्रेस है। तो ये सारे मेरे इंक्वायरीज हैं, ओके। अब इनको एसएमएस करना है, ईमेल भेजना है, या कॉल करना है। कॉल का भी ऑप्शन होता है। यहाँ पर देखो, आपको एसएमएस कॉल दोनों मिला है, ठीक है। अब वो कॉलिंग वाला फीचर मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको कॉल रिसीव होता है किसी और नंबर से, वो नंबर आपके फ़ोन में सेव भी रहा तो भी चलेगा। आपने जैसे ही वो कॉल रिसीव किया, बात की, इसके बाद वो कॉल को एंड कर दिया, तो आपको एक पॉपअप मैसेज आता है। जैसे मुझे कॉल आया, मैं इसको एंड करता हूँ, ऊपर देखो आपको इंक्वायरी का एक पॉपअप आया है। वो बोल रहा है कि आपको इसको इंक्वायरी में ऐड करना है। अगर आपने इसको ऐड टू इंक्वायरी किया, तो ये इंक्वायरी में डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। फिर बाद में आप इसके पूरे डिटेल्स भी भर सकते हो। मोबाइल नंबर इसने कॉपी कर लिया, ईमेल आईडी अगर आपके पास है आप इसको डाल सकते हो, नहीं है नाम डाल दो, सेंटर सिलेक्ट करो, एंड देन आप टेक एक्शन में जाके वो जो मैंने बताया था रजिस्ट्रेशन के लिए आया था, फॉलोअप करना है, क्या करना है, रिमाइंडर करना है, वो आप कर सकते हो। आप इसमें एसएमएस लिख के स्केड्यूल भी कर सकते हो, ऑटोमेटिकली उस दिन वो एसएमएस उसको चले जाएगा। मैनेजमेंट या सीआरएम का सॉफ्टवेयर चाहिए तो एक बिट्रिक्स 24 आपको मिलेगा। इसके अंदर आपको कम्युनिकेशन, सीआरएम, इसके बाद कांटेक्ट का सेंटर, ये सारी चीज़ मिलेगी फ्री। इसके अंदर अकाउंट भी आप बना सकते हो, थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड आपको मिलेगा इसके अंदर एक्सेस। फ्री रजिस्ट्रेशन में आपको 5 GB का डेटा मिलता है, सीआरएम फर्स्ट लेवल का मिलता है। टास्क एंड प्रोजेक्ट्स आप मैनेज कर सकते हो, कम्युनिकेशंस का भी ऑप्शन है। यहाँ पर आपको दिखेगा कि एडवांस फीचर्स नहीं है, स्लैक असाना वो जो आपको दिख रहा है, स्लैक में भी फ्री अकाउंट्स बनते हैं। उसके उसको लीड के साथ कैसे इंटीग्रेट करना है, जो हम मैनुअल करने वाले हैं उसमें मैं आपको हर चीज़ सिखाऊंगा। यहाँ पर आप देखो सीआरएम मार्केटिंग सेल्स इंटेलिजेंस, इसके बाद सीआरएम टास्क प्रोजेक्ट, ये फ्री में आपको काफ़ी चीज़ें मिल रही है। इनिशियली सीखने के लिए आपको ये बहुत अच्छा है, तो आप इस पे रजिस्टर करवा लो फ्री में। आपको जीमेल का अकाउंट या फेसबुक का अकाउंट या आउटलुक का अकाउंट है, ट्विटर का अकाउंट है, उससे भी आप कर सकते हो। मैं जीमेल के अकाउंट से इसको रजिस्टर करने वाला हूँ। कोई भी अकाउंट आप सिलेक्ट कर लो, या फिर आप मोबाइल नंबर डाल के भी इसको रजिस्टर करवा सकते हो। तो ये मेरा ऑफिशियल नंबर है, इसको मैं रजिस्टर करवा लेता हूँ। आपको यहाँ पर कंट्री इंडिया सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसका पोस्टल कोड जैसा एक कोड होता है +91, वो आप डाल दो, इंडिया आ जाएगा, देन रजिस्टर फॉर फ्री। अब एक आपको ओटीपी आया होगा, ओटीपी आने के बाद वो यहाँ पर एंटर कर लो, एंड देन आपका बिट्रिक्स 24 का अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। ये काफ़ी सोफेस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर है, जितने भी मैंने सॉफ्टवेयर देखे हैं इसमें वो सारे फीचर्स हैं जो आप किसी भी बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आपका स्मॉल स्केल बिजनेस है, बहुत ही आप इनिशियल स्टेज पे हो, तो आई रिकमेंड कि आप ये पहले यूज़ कर लो। थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको क्या फीचर्स एक्स्ट्रा लगने वाले हैं, देन यू गो फॉर प्रीमियम। फिलहाल आपको बिट्रिक्स 24 सीखने के लिए भी बहुत अच्छा है, आप खुद इसको साइन अप कर लेना।
और इसका एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी है, उसको भी आप डाउनलोड करके देख लीजिए। सारे फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है, आपको वेब एप्लीकेशन पे ज़्यादा सेटिंग्स दिखते हैं, फ़ोन में आपको थोड़े से कम मिलेंगे। यहाँ पर आपको CRM, टास्क मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, वेबसाइट भी बना सकते हो आप, वो जो टेम्पररी वेबसाइट मिलती है जैसे गूगल ने हमें दिया था गूगल माय बिजनेस में, वैसा भी आपको मिलेगा यहाँ पर। ये फर्स्ट डेमो वीडियो है, आप इसको देख लेना बाद में। यहाँ पर आप ये टीम को मैसेज वगैरह देना चाहते हो या कुछ पोस्ट डालना चाहते हो वहाँ पर दिखेगा। CRM का भी ऑप्शन है, एम्प्लॉयज़ मैनेज कर सकते हो। कुछ चीज़ें बीटा वर्जन है, मतलब अभी वो उसने रोल आउट नहीं किया है, तो अभी फ़िलहाल के लिए आपको जो ऑप्शंस मिल रहे हैं फ्री में उसी से काम चला लो। कैलेंडर है, चैट्स एंड कॉल्स है, आप यहाँ पर इंक्वायरी भी डाल सकते हो, उसको फॉलो अप, उसका इनवॉइस, ये सारा चीज़ आपको मिलेगा। वेब मेल का एक्सेस भी है, कॉन्टैक्ट सेंटर भी है, तो ये भी बहुत सोफेस्टिकेटेड लगा मुझे, आप इसे भी ट्राई कीजिए। यहाँ पर आपको ये हेल्प भी करता है, डेमो दे रहा है आपको हर चीज़ कैसे मैनेज करना है, कॉन्टैक्ट सेंटर कहाँ पर है, उसके बाद लीड मैनेजमेंट कैसे करना है, सेल्स फनल आप कैसे यूज़ कर सकते हो। सेल्स फनल में आप जो डालोगे कॉन्टैक्ट्स उनको मैनुअली मूव करवा सकते हो। CRM का व्यू दे रहा है ये, सो कैनबन एक व्यू देने का एक फीचर है, ये जो दिख रहा है आपको टैब्स टैब्स, ये कैनबन उसको बोलते हैं, उस टाइप से आपको दिखा रहा है। इसके बाद मेनू में क्या क्या है, आप टीम को इनवाइट कर सकते हो, अनलिमिटेड यूज़र्स का एक्सेस है आपको फ्री में। ये URL आप भेज दीजिए, इस पर क्लिक करके लोगों को साइनअप करना पड़ेगा। ये सारे ऑप्शंस है इसके अंदर। ओके, आप इसको भी एक बार घर पे प्रैक्टिस करके देख लो, फेक इंक्वायरीज या खुद के एक दो नंबर डाल देना इसके अंदर, एंड देन टेस्ट करवा लो कैसे काम कर रहा है। आपको कॉल, SMS, ईमेल हर चीज़ का यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। ये डील या फिर ये मैंने बताया आपको एजेंसी के लिए या फिर और बिजनेस है आपके, किसी भी बिजनेस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। कॉन्टैक्ट्स में आप कॉन्टैक्ट्स ऐड करके रख सकते हो, तो आपको ये डिसेंट ऑप्शंस देता है हर चीज़ का। तो इस वीडियो में हमने एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ देखा फॉर लीड मैनेजमेंट, कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट। अगले वीडियो में मैं आपको मैनुअली कैसे इसको करें, जुगाड़ कैसे करें, जैसे आपको कॉल रिसीव हुआ ऑटोमेटिकली इंक्वायरी अगर है तो उसको SMS जाना चाहिए, आपका एक्सेल शीट में भी वो डेटा एंटर होना चाहिए, प्लस आपको ईमेल नोटिफिकेशन भी आना चाहिए और स्लैक के अंदर मैसेज चाहिए, या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए अलग से हम ट्रेलो यूज़ करेंगे, ये सारा चीज़ आपको ऑटोमेटिकली होगा। तो मैं स्मार्टफोन के थ्रू ही आपको ऑटोमेशन सिखाऊंगा। आज जो मैंने बताया सॉफ्टवेयर, इसको भी आप प्रैक्टिस कीजिए।